नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल टेक्नो बैंकिंग। दोस्तों सबसे पहले तो आप सभी व्यूवर्स को छठ पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। वैसे साउंड आ रहा होगा ढोल नगाड़ों की, क्योंकि चारों तरफ छठ पर्व मनाया जा रहा है, तो इस कारण थोड़ा सा आप लोगों को एडजस्ट करना पड़ेगा। दोस्तों क्या आपका कोई ऐसा फ्रेंड है, जब भी आप व्हाट्सएप पे या फिर किसी फ्रेंड से व्हाट्सएप पे बातचीत करते हैं तो फिर आपके मोबाइल में हमेशा देखता रहता है, और जब भी आपका मोबाइल पाता है तो वहाँ से व्हाट्सएप पे कुछ ऐसा उसको सेंड कर देता है जिससे फिर कुछ गलत हो जाता है। तो अगर आपका ऐसा कोई फ्रेंड है तो अब वो ऐसा नहीं कर पाएगा, क्योंकि दोस्तों व्हाट्सएप ने लॉन्च कर दिया है अपने सभी एंड्रॉयड यूजर के लिए फिंगरप्रिंट लॉक, जो अभी तक सिर्फ iOS के लिए ही लॉन्च हुआ था, लेकिन अब सभी एंड्रॉयड यूजर के लिए भी ये रोल आउट हो गया है। तो इसके लिए आप लोग को क्या करना पड़ेगा, और इसके साथ ही व्हाट्सएप में आप फिंगरप्रिंट अनलॉक लगाने के लिए आपको क्या क्या प्रोसेस करने पड़ेगी, इस वीडियो में मैं पूरा बताने वाला हूँ। तो वीडियो पूरा आप एंड तक और ध्यान से ज़रूर देखिएगा। तो WhatsApp पे फिंगरप्रिंट अनलॉक लगाने के लिए सबसे पहले ज़रूरी बात यह है कि आपका मोबाइल में फिंगरप्रिंट होना चाहिए, फिंगरप्रिंट सेंसर होना चाहिए। तो जिन लोगों का भी मोबाइल फिंगरप्रिंट सेंसर से सपोर्ट करता है वो अपने WhatsApp पे फिंगरप्रिंट अनलॉक लगा सकते हैं। तो सबसे पहला काम आपको ये करना है, अपने मोबाइल के सेटिंग में जाकर फिंगरप्रिंट अनलॉक आप लोग को लगा लेना है। इसके बाद फिर आप अपना WhatsApp ओपन करेंगे और सबसे पहले प्ले स्टोर से जाकर उसको अपडेट कर लेंगे। अगर अभी तक आपने अपडेट नहीं किया तो सबसे पहले आप अपना WhatsApp अपडेट कर लेंगे। इसके बाद फिर आप सबसे पहले अपना WhatsApp ओपन करेंगे। इसके बाद फिर आप उस सबसे ऊपर की तरफ जो थ्री डॉट देख रहे हैं वहाँ पे आप लोग को क्लिक कर देना है। इसके बाद जैसे आप वहाँ पे क्लिक करेंगे प्राइवेसी के ऑप्शन पे चले जाना है, और वहाँ पे आप लोग को स्क्रॉल डाउन करके सबसे नीचे आएंगे, वहाँ पे सबसे नीचे आपको फिंगरप्रिंट अनलॉक का ऑप्शन दिख जाएगा। तो इसके बाद वहाँ पे आप लोग को क्लिक कर देना है। इसके बाद फिर आपके मोबाइल में जहाँ पे भी फिंगरप्रिंट सेंसर हो, कुछ लोगों के मोबाइल पे नीचे होता है होम बटन पे, और कुछ लोगों के मोबाइल पे पीछे की तरफ होता है, तो जहाँ पे भी आपके मोबाइल में फिंगरप्रिंट सेंसर हो वहाँ पे आप लोग को जिस भी फिंगर से आप अपना फिंगरप्रिंट अनलॉक अपने मोबाइल में लगाए हैं वहाँ से उस फिंगर से आप लोग को वहाँ पे एक बार ही टैप करना है। इसके बाद फिर आपका फिंगरप्रिंट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग अपना फिंगरप्रिंट लॉक कर सकते हैं बड़े आसानी से। और जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें कई सारे ऑप्शन भी दिए हुए हैं कि इमीडिएटली या फिर 1 मिनट या फिर आफ्टर 30 मिनट, तो जो भी आपको ऑप्शन सुटेबल लगे उस ऑप्शन आप लगा सकते। अगर आप इमीडिएटली लगाएंगे तो फिर आपको ज़्यादा, जैसे कि आप जैसे ही अपना व्हाट्सअप बंद करते हैं आपका व्हाट्सअप लॉक हो जाएगा। और जैसे कि आप देख रहे हैं मेरा मैंने फिंगरप्रिंट अनलॉक अभी लगा दिया है। अब इसको मैं सब अपने व्हाट्सएप को बंद कर देता हूं, और जैसा कि आप देख रहे हैं व्हाट्सएप मैंने बंद कर दिया। अब इसको जब ओपन कर रहा हूं तो यहां पे फिंगरप्रिंट मांग रहा है। तो यहां पे जैसे ही मैं अपने फिंगरप्रिंट सेंसर पे अपना फिंगर टच करता हूं, टाइप करता हूं, तो वहां पे ओपन हो गया। तो दोस्तों इस तरीके से बड़ी आसानी से आप लोग फिंगरप्रिंट अनलॉक अपने व्हाट्सएप पे लगा सकते हैं। दोस्तों व्हाट्सएप ने बहुत ही कमाल का ये फीचर लाया है फिंगरप्रिंट अनलॉक का, और आशा करते हैं कि आप लोग को हमारे द्वारा दी गई जानकारी जरूर पसंद आएगी। अगर आप लोग को व्हाट्सएप के फिंगरप्रिंट अनलॉक से रिलेटेड कोई भी समस्या भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप नीचे बेशक कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम आपके सारे सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। और अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक करके अपने सभी दोस्तों, अपने सभी जानने वाले, अपने सभी रिलेटिव्स के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप लोग को हमारे द्वारा दी गई जानकारी जरूर पसंद आ गया, और इसी तरह की इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल वीडियो के लिए आप प्लीज़ मेरे चैनल टेक्नो बैंकिंग को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले नेक्स्ट वीडियो को नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहे। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।